आप यह बात बताओ, इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्किल, नॉलेज, प्रैक्टिस या फिर माइंडसेट? पता है, मेरे हिसाब से माइंडसेट का है, क्योंकि ये सारा खेल माइंडसेट का है। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो कुछ भी हो जाए, कितना भी आसान काम क्यों ना हो, वो उसे नहीं कर सकता। और किसी का माइंडसेट यह हो कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो कितनी भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो उसे करके दिखा देगा। लेकिन हाँ, उसके लिए अपने माइंड पर छोड़ देना होगा, और आपको अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना होगा कि मेरा ये गोल है जिसको मुझे अचीव करना है, साल भर में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। आपको नहीं पता यह कैसे होगा, लेकिन अपने माइंड को पूछो, बताइए कैसे होगा। जब आप अपने माइंड को एक क्लियर गोल दे देते हो और अपने माइंड के ऊपर छोड़ देते हो, अब माइंड उसके रास्ते निकालेगा और आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा जिसमें आप जाना चाहते हो। पता है, साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान का ब्रेन सोच सकता है, उसे कर भी सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है और आप सोचते हैं कि आसान है, तो हमारा ब्रेन उसे आसान करने का तरीका खोज लेता है। क्योंकि माइंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवचेतन मन, एक होते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इसी प्रकार हमारा ब्रेन मुश्किल काम के साथ वर्क करता है, इसीलिए बड़ा सोचना होगा और अच्छा सोचना होगा और एक अच्छा सा गोल सेट करना होगा और उसके हिसाब से मेहनत करनी होगी। क्योंकि पता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर अभी भी आप समय बर्बाद कर रहे हो तो भाग जाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी भी समय है कुछ कर दिखाने का। पता है, समय की रफ्तार बहुत फास्ट है, समय तेजी से निकल रहा है और तुम आज भी सोच रहे हो। सोचना स्टॉप करो यार, और करना स्टार्ट करो, क्योंकि समय कभी भी रुकती नहीं है, ये तो सभी के लिए समान है। पता है, लियोनेल मेसी जो दुनिया का महान फुटबॉलर है, वो कहते हैं, आपको एक बात बता दूं, जब मैं पैदा हुआ था तब मुझे कोई नहीं जानता था, और आज पूरी दुनिया मुझे जानती है। मेरे दोस्तों, लाइफ वो नहीं है जो हमें मिलती है, लाइफ वो है जो हम खुद बनाते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है, हम अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज आपने अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या हर एक परिवार में कोई एक इंसान होता है जिसके नाम से पूरे परिवार को जाना जाता है? क्या आप अपने पूरे परिवार को वो जिंदगी दे पा रहे हो जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारा सपना है? और वो इंसान बनो अपनी फैमिली में जो सब कुछ बदल दे और आपके परिवार को सिर्फ आपके वजह से ही जाना जाए। आपको एक बात बता दें, एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन को उनकी मोटी आवाज होने के कारण उनको रेडियो से निकाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया, उन्होंने सपने देखे, गोल सेट किए और लगातार मेहनत करते चले गए और कभी हार नहीं मानी। और आज उनकी आवाज की इतनी वैल्यू है कि 10 सेकंड की एड के लिए, शूटिंग के लिए उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। जब उन्होंने अपनी माइंड में सोच को तब्दील कर लिया, उसके पीछे भागते चले गए, उनके सपने पूरे हो गए, आज इतने बड़े स्टार हैं कि उन्हें बिग बी के नाम से जानते हैं। तो क्या आप भी अगर लक्ष्य बना के उसके पीछे मेहनत करें तो बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि यही उम्र है दोस्तों आपकी दौड़ने की, भागने की। आप दौड़ सकते हो सकता है आप गिरे तो क्या, अरे 2-4 हड्डी टूटेंगी यार, जुड़ जाएंगी, यही उम्र है, जुड़ जाएंगी हड्डी। इसलिए दौड़ो, ऐसा दौड़ो कि छलांग आपकी सबसे लंबी हो, मतलब माइंड से हमको तगड़ा करना होगा और सबसे अलग हो। और एक बात याद रखना, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर ना कर पाए। इसलिए दोस्तों, आप अपने माइंड सेट को सबसे पहले सेट कर लो कि हमको करना क्या है। हमको 6 महीने में, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक हमको अपना गोल अचीव करना है, फिर उसके पीछे लगातार मेहनत करते चले जाओ। दोस्तों, सब कोई सफल हुआ है तो आप भी सफल हो जाओगे दोस्तों।